अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज आदम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो गए, खैरियत से हो गए। लास्ट व्लॉग जब मैंने एंड किया था उसके पहले क्या हुआ था वो मैंने व्लॉग में शेयर नहीं किया था, तो वो मैं अभी शेयर कर रहा हूँ। इफ्तारी करने के बाद तराबी के वक्त से स्टार्ट होता है, तो आप जाके तब तक वो वाली वीडियो क्लिप देखो। तब तक हम जो आपको फजर की नमाज पढ़ने के बाद मिलते हैं। ये तो सिर्फ दो ही रोजे अपने माह रमजान के, आप देख सकते हो माशाल्लाह जो रौनक है। अभी आप सोचो जैसे जैसे और दिन बढ़ेंगे तो उस वक्त के नजारे भी इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा मैं। तो तरावी के बाद मैं मेरे भाई गए थोड़ा मीनार मस्जिद के, वहाँ पे गए राउंड खाने के, क्योंकि वहाँ पे हमको एक चीज की तलाश थी जो की हमें वहाँ पे नहीं मिली। वो घूम फिर के अपने घर के पास में मिली है, वो है चाइनीज भेल। पूरा हम घूमे डोंगरी चप्पे चप्पे पे छान मारा, जो जो थे वो सारे के सारे बंद हो चुके थे। देन फिर मेरे घर के पीछे वाली गली में काजी मोहल्ले में लकीली एक दुकान खुली मिली, तो वही बात हो गई। बगल में बच्चा गांव में ढींढ हो रहा। चाइनीज भेल खाते वक्त मैं रिकॉर्ड नहीं किया वीडियो, जो चाइनीज भेल का टिपिकल टेस्ट आता है वो तो ऑलमोस्ट सारी सारी जगह हमें मिल जाता है, बट यहाँ पे जब मैं चाइनीज भेल खाया, यहाँ पे जब मैं मंचूरियन खाया, इट इज नॉट इट ऑन स्पॉन्सर, इट इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट वी एवर हैड। तब जरा जाके वो झलके देखे हो, तब तक सनराइज हो चुका होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। घर पे आने के बाद मैं सोया नहीं, मैं बेहोश हो गया था। तरावी पढ़ने के बाद अराउंड में 11 बजे घर पे आया, उसके बाद मैंने व्लॉग एडिट किया, सहरी का टाइम हो गया, उसके बाद सहरी की फजर की नमाज पढ़ने के बाद मैं अराउंड 8 बजे, उसके बाद मैं लिटरली बेहोश हो गया। उसके बाद जोर का वक्त है एंड अभी जो 3:30 बजे, अभी ऑफिस से जा रहे शॉपिंग पे। शॉपिंग क्यों है, जैसे आपको लास्ट वक्त मैंने कहा था आपको आज जाए तो फिर कल वाले व्लॉग में पता चल जाएगा। दुकाने को मोबाइल की कॉल के लिए बट कहीं पे भी नहीं मिली, हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। और भाई मुबारक आपको, कॉल मिल गया फाइनली ऑलमोस्ट पूरी मार्केट ढूंढने के बाद। अच्छा हेलो 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 फॉर अबाउट दिस लेपल माइक फॉर माई टेक्स चैनल एंड ब्लॉग में भी काम आएगा। इसके अलावा वायरलेस माइक लेने का मेरा प्लान था बट फिर वो बात वही हो जाती है, वायरलेस माइक में इंटरेस्ट नहीं है। तो जो जो आज लेना था वो ले लिया है। अभी टाइम भी ऐसा हो गया है 6 बजे ऑलरेडी, अभी भी वैसे भी शॉपिंग कर रहे हैं आप देख सकते हो पीछे। मैं ऑल्सो जो मैंने माइक्रोफोन परचेज किया उसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसको टेस्ट करने के लिए। एंड वो जो माइक्रोफोन में लिया था स्पेशली टेक वीडियोस के लिए, तो ये भी फोन मैं बैकअप अपने साथ में रखूंगा मैं, तो इंशाल्लाह उसकी भी टेस्टिंग घर पर जाकर करूंगा मैं। शॉटगन माइक्रोफोन है लेपल माइक का बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों भी माइक्रोफोन के अलग पर्पज है। शॉटगन माइक्रोफोन है डायरेक्शनल माइक्रोफोन है, ये जो है लेपल माइक ये कॉलर पर लग जाएगा, एंड के भी अपने बेनिफिट है, कोई अच्छा कोई बुरा नहीं, दोनों भी अपनी जगह पर सही है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर आज का अपना आखिरी स्पॉट है यहाँ पे बाव बेकरी, यहाँ पे भी अपनी शॉपिंग खत्म नहीं होती है। अभी जो है ऑलरेडी 6:15, 6:55 का सही का वक्त है, वापस से करना पड़ेगा शॉपिंग के लिए। कल फाइनल शॉपिंग होगी, घर पर 7 बजे 10-15 मिनट हो जाएगा, उसके बाद वजू करना है, तब तक डेफिनेटली इफ्तारी का वक्त हो जाएगा। इफ्तारी के वक्त आप देख सकते हो मीनार मस्जिद में कितना ज़्यादा क्राउड है।
अब फाइनली ह्यूमन ट्रैफिक से बाहर निकल गए। अच्छा वाला टाइम है बाबा जी, लगा था नहीं बट पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह बाबा बेकरी। ये आ गई बेकरी आइटम बाबा बेकरी से, लेकिन ये भी अपने घर पे नहीं जाएगी, अपने घर पे नहीं जाएगी, ये जाएगी कहाँ पे? बाहर डैडी के पास। लगभग 20 मिनट इफ्तारी के टाइम में अभी आ गया मोहम्मद अली रोड, तो आके भी देखते हैं भाई रमजान के क्या सीन है तीसरे रोजे के अपने। और जैसा कि मैंने कहा था यहाँ पे लगते हैं जुब्बे जो कि काफ़ी साल से लगते हैं। अभी ज़्यादा कुछ है नहीं मोहम्मद रोड पे दिखाने लायक भाई। 7:45 बज रहे हैं, बिल्डिंग में पहुँच गया भाई अल्हम्दुलिल्लाह। आज इफ्तारी में अपना बटाटा भजिया, उसके अलावा कांदा भजिया, जो टिपिकल कांदा भजिया था वो नहीं अलग वाला है, बट ये भी कांदा भजिया है। यहाँ पे एक ऑर्डर पहली इफ्तार में अभी सिर्फ 10 मिनट है एंड ट्रस्ट मी, नहीं तो भूख लगी नहीं तो पानी की प्यास लग रही है, इतना लबा का करम रहता है रमजान के महीने अल्हम्दुलिल्लाह। के चटनी गाड़ी चटनी जो कि राहिल ने लिया था कल, टेस्ट करते कैसा टेस्ट है। बड़ा बहुत तो नहीं है बट बटाटा भजिया है। ये आ गया भाई मसाला, मोमेंट ऑफ द ट्रुथ 90% सेम है। कैसे भैया गाड़ी चटनी? कलिंगर के साथ में एक नंबर ले लिया। भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते दुनिया में। ये कांदा भजिया के साथ में ट्राई करते। तो होपफुली आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो फटाफट से मुझे इस व्लॉग को एडिट करना है, तब तक जो तरावी का भी टाइम हो जाएगा। होपफुली आपको ये रमजान व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। अभी तो शुरुआत हुई है भाई साहब, जैसे और दिन गुजरेंगे माशाल्लाह मुझे भी मजा आएगा, आपको भी काफी मजा आएगा। ओवरऑल 3 साल मुझे हुए गाँव में, उसके बाद यहाँ पे 3 साल बाद तो अभी से ये सारी की सारी चीजें देखना नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है माशाल्लाह, इसका एक वाइब भी अलग है। इस व्लॉग को यहाँ देखने के लिए शुक्रिया। बाकी फॉर मोर अपडेट्स जैसे मैं कहता हूँ मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करो, लिंक इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। शुक्रिया इस व्लॉग को यहाँ तक देखने के लिए, थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द डे, नेवर गिव अप, मिलता हूं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एंड पीस आउट।